कह रही कि शरबत आप बनाओ, बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया, ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स होंगे और इससे इतने मज़े और ज़ायकेदार शरबत बनेगा। तो इससे आपको समझ लो इतने फ़ायदे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं ना कि कोई हद नहीं है। आप ये करोगे, इसे ना इसका शरबत बना के पियोगे, आपको गर्मी जो आपकी जिस्म की वो आपकी दूर हो जाएगी, आपको लू वगैरह जो गर्मी लग जाती है वो नहीं लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आप गर्मी के शुरू में इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे तो आप हीट स्ट्रोक से, लू वगैरह से आपकी बचत हो जाती है, कि आपके घर के जो मर्द हज़रात बाहर जा रहे हैं या वर्किंग वूमेन से वो बना के ले सकती हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, या इवन आप भी जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, तो आप इसका शरबत बना हुआ रख लो। एक दफ़ा बना लोगे आपको तकरीबन 15 से समझ लो 1 मंथ तक आराम से ये प्रिजर्व रह जाता है। बना के आप इसको इस्तेमाल करो, अपने प्यारों को भी करवाओ और सबको बताओ, बहुत ही अच्छा बनता है। करके इसे हम रख देंगे और तकरीबन लो फ्लेम करेंगे, ठीक है ना, हाई नहीं करना बहुत, क्योंकि लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम पका लेंगे। मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको, बिल्कुल आप एज इट इज़ वही सारे प्रोसेस करोगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा और आपको बिल्कुल भी इस साल समझ लो गर्मी नहीं लगेगी, आपको लू या हीट स्ट्रोक की कोई प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी नहीं आपको होगी, चक्कर वगैरह नहीं आएगा, मतली नहीं आएगा। आप दो टाइम बना के इसको इस्तेमाल करो सुबह शाम में और आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून रहोगे और अपने प्यारों को भी रखोगे। इसको इस तरह से रख के लो फ्लेम पे इसे आपने कवर कर देना, ठीक है ना, किसी भी से। अगर आपके पास तवा नहीं है मोटा या आप नहीं चाहते हो तवा को करना तो आप किसी भी पैन में भी डाल सकते हो, कढ़ाई में भी रख सकते हो। रख के इसको धीमे आंच पे इसको छोड़ दोगे, ठीक है ना। तकरीबन कहना चाहिए समझ लो, देख रहे हो देखो वेपर्स होना शुरू हो गए हैं, ये अपनी धीमे आंच पे पकते जाएंगे। एक साइड से हो जाएंगे तो फिर सेकंड साइड पे इसके कवर चेंज कर देंगे, मतलब टर्न कर देंगे सेकंड साइड पे, ऐसे करके पूरा ये बिल्कुल अच्छे से हमारा बिल्कुल ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना। ये हमने इसको आप ये देखो इस तरह से ऐसे ना होता जाएगा, देखिए अब कलर चेंज हो गया ना, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल डार्क सा ब्राउन था, अब देखो बिल्कुल ये लाइट सा हो गया है। ऐसे हम ये चेंज करते जाएंगे और ये पकता जाएगा बिल्कुल अच्छे से पूरा ना, ऐसे हर तरफ से हमारा बिल्कुल कोटेड हो जाएगा। देखो बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल ये फॉर्म आ जानी चाहिए। इनको फिर हम अगेन कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद फिर इसी तरह से मैं सारी तरफ से ना पलट पलट के पकाती जाऊँगी। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या करना मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए किस तरह से, देख रहे हो, ये देखो अंदर से देख रहे हो, बिल्कुल इस तरह से ऐसे कलर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देख रहे हो बिल्कुल वो जो ग्रीन ग्रीन सी कैरी थी, सारी कैरी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके आगे हमने क्या करना वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके ये जो छिलके हैं ना इनको इस तरह से करके इस तरह से, ठीक है ना, सारे ये उतार लेंगे। उतारने के बाद हम ये ग्राइंडर का जग है, इस जग में डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे, पानी हमने नहीं डालना है ना, ठीक है ना। जितनी भी आपने कैरियाँ लेनी है यूज़ करनी है, इस तरह से सारा जो इसका गूदा है ये जो पक गया है इसको आप निकाल लोगे और निकाल के बिल्कुल स्मूदी से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बस इसको आप करो। हाँ जनाब, तो ये देखिए, ठीक है, मैंने इस तरह से सारा पल्प निकाल लिया और हम ये करेंगे कि पीस लेंगे। आपको बताते हैं किस तरह से इसका पीसना है, ठीक है ना। इसको हम पीस लेंगे, देखो इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं शामिल किया है। देखो बिल्कुल इस तरह से हमारा ठीक सा पल्प बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने प्रिजर्व कर लेना है। ये देखें बिल्कुल हमारा ठीक, ठीक है ना, हमारे ठीक सा ये तैयार हो गया है। बिल्कुल इस तरह से ऐसे हमारी स्मूदी सा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको जितना इस बोतल में मैं अब ये करूँगी, इसे रख लूँगी। अब आपने जैसे इस्तेमाल करना है निकाल के आप इस्तेमाल कर दो। आपको मैं बना के भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारा अब आप इसे रख दो फ्रिज में बंद करके, आराम से 15 दिन, हफ्ता, महीना जितना है अब उसके मुताबिक यूज़ करो, ठीक है ना।
जब भी यूज़ करना है अपने दिन में ये करना है, 2 चम्मच निकाल लेना है नॉर्मल खाने का, और चीनी डालो अगर आपने यूज़ करना है तो, पानी डालो ठंडा सा और चिल्ड सा बना के ये कैरी का शरबत यूज़ करो, तो इससे गर्मी वगैरह आपको नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ना, हम ये करेंगे इसमें से 2 टीस्पून हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है ये पार्ट को। और अगेन हम ये करेंगे कि आपने चीनी डालना है तो 1 से 2 चम्मच, हल्के ज़रूरत आपने जितना यूज़ करना है कर लो, और चिल्ड सा पानी डालो आप और इस्तेमाल करो कैरी का शरबत, यम्मी एंड डिलीशियस सा। ओके कितना शानदार है, यम्मी सा है ये, तो गर्मी में इस्तेमाल करें और ठंडी ठंडी से हो जाए। ओके